अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब लोग ठीक है? अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर है वो है नंबर थ्योरी से रिलेटेड। ये हमारा कोई 9वां या 10वां लेक्चर है। इसको हम कंटेंट्स के मुताबिक कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक को। आज के जो टॉपिक होंगे वो होंगे कुछ इस तरह के। हम इस इक्वेशन को बुक में तो देख चुके हैं, AX+BY=C। यानी इस इक्वेशन की इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा काम होगा, और इसके सॉल्यूशन से क्या मुराद है, इसका नाम क्या है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। पहला टास्क हमारा ये है नाम इस इक्वेशन का, डायफेंटाइन इक्वेशन है, और इसको यानी इस टर्मिनोलॉजी से हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि जी इक्वेशन को हम डाइफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे। बुक में भी ये मौजूद है। बेटे, क्वेश्चन करने की बजाय मैंने अभी बताया था, आप शायद लेट आए हैं, लेक्चर सुन लें, अपने क्वेश्चंस लिखते जाएं। एट द एंड मैं आपको सारे क्वेश्चंस के वन बाय वन आंसर करूंगा, स्लाइड वाइज। सर सर क्वेश्चन नहीं है, मैं सही आ रहा हूँ इस क्लास में। जी सर डेट भी लेक्चर का प्रोबेबिलिटी का, सर अभी जी उनका मैं लेक्चर जानता चल हूँ आप लेट आए हैं, मैं उसकी डिटेल्स बता चुका हूँ, और सलमान साहब से रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि थोड़ा सा लेक्चर को वो आगे कर लें और थोड़ा सा हम पीछे कर लेंगे, और 12:30 बजे से रोज लेक्चर स्टार्ट हुआ करेगा। कितने बजे सर? 12:30 बजे से रोज स्टार्ट होगा, ठीक है ये मैं सर। बता चुका सर हूँ। केमिकल का, केमिकल वाले बच्चे कल आएंगे बेटे, लिखा हुआ है उनके, केमिकल वाला बच्चा एग्जिट कर ले। केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे एग्जिट कर लें, कैलकुलस नहीं है नंबर थ्री का। ओके सर। सर आपने वो लिंक शेयर किया था ना, आपने कहा था अभी स्टार्ट होना है लेक्चर। नहीं, उस पे पढ़ें दोबारा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है कि आपका कल 11 बजे के बाद लेक्चर होगा। चलें, ठीक है जी। ये हमारे पास द इक्वेशन AX+BY=C। हमारे पास इक्वेशन है, इसका नाम डॉफेंटाइन इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन की बात हम करेंगे आगे जाके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और इस इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली कुछ 60 मिनट्स तक। ये पार्ट ऑफ द स्लाइड है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे, वो मैं आपके क्वेश्चंस के बाद इसकी डिटेल्स करता रहूँगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके सामने एक टेक्स्ट है, सिस्टमेटिक मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग रैशनल सॉल्यूशंस ऑफ सर्टन इक्वेशन अपीयर्स इन द वर्क ऑफ, ये एक साइंटिस्ट था, अलेक्जेंड्रेरिया। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 250 AD का ये साइंटिस्ट था। ओरिजिनली द टर्म, ये जो डायफेंटाइन इक्वेशन है, रेफर टू एन इक्वेशन वेयर सॉल्यूशंस वर रिस्ट्रिक्टेड टू रैशनल नंबर्स। असल में ये नाम इसलिए दिया गया है, तो ये लीनियर इक्वेशन, नाम इसलिए इसको अलग से दिया गया डायफेंटाइन इक्वेशन का, कि इसके जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, वो अगर रैशनल्स हैं पर्टिकुलरली, तो फिर हम इसको डॉफेंटाइन इक्वेशन कहेंगे। अदरवाइज जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि हम इसे पहले से जानते हैं। ये वीडियोस जो है प्लीज बंद कर दें, वीडियोस अपनी बंद कर दें, ठीक है? वीडियोस अपनी बंद कर दें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है जी, नेक्स्ट ये बेटे प्लीज अपनी वीडियोस जो है वो बंद कर दें, ठीक है? इस इक्वेशन के सोल्यूशन से क्या मुराद है? इस इक्वेशन के सोल्यूशन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास AX+BY=C ये इक्वेशन है, जिसमें ए और बी का जो जीसीडी है, इसका डी,
ए और बी का जो जी सी डी है, ये हमारे पास डी है, ये लिखा हुआ है डी, ए और बी का जी सी डी। तो ये हमारे पास अगर सी को डिवाइड करे तो ही इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सी को डिवाइड नहीं करता तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे पहले कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड करें, लाजमी है कि हम ये जानते हों कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो क्या है कि किन इक्वेशंस का जी सी डी एग्जिस्ट करेगा, जी किन इक्वेशंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जिनमें ए और ये जो ए है ये और ये जो बी है ये, इनका जी सी डी जो है वो सी को डिवाइड करता हो, इस सी को। अगर ये नहीं करता तो फिर इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम इसको सोल्यूशन फाइंड ही नहीं कर सकते। सोल्यूशन से क्या मुराद, ऐसे दो इंटीजर्स जो मैं एक्स और वाई की जगह पुट करूं तो मेरे पास जो है उसका आंसर सी आ जाए। यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई की जगह ऐसे इंटीजर्स पुट करूं कि इनको मैं सिंप्लीफाई करूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो उसका आंसर जो है वो मेरे पास सी आ जाए। ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन से मुराद है, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन कब सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा, इस तरह का इंटीजर सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब मेरे पास ए और बी दो नंबर्स हों और उन दो नंबर्स का जी सी डी जो कि डी है ये सी को तकसीम करता हो। अगर ये सी को तकसीम नहीं करता तो फिर इस इक्वेशन का इंटीजर सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पर्टिकुलरली इंटीजर सोल्यूशन के लिए ये लाजमी। If x star y star is any particular solution of the equation, then all solutions are given by all solutions. अगर दो solution हम find कर ले x star y star, तो ये text आपको दो messages दे रहा है कि सिर्फ ये दो solution इसके exist नहीं करेंगे बल्कि इसके infinitely many solutions exist करेंगे। यानी कि जब भी कोई इस तरह की equation होगी उसका किसी भी mod में जरूरी नहीं कि एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते होंगे। अगर एक करता है तो इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, और वो फाइंड करने का तरीका क्या है ये हम सीखेंगे इसमें। हाउएवर, अगर हमने ट्रिकीली किसी भी तरह ये दो सोल्यूशंस फाइंड कर लिए जिसका नाम मैंने एक्स स्टार और वाई स्टार रखा है, तो उसके जरिए मैं इसके इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकता हूँ, इनफिनाइटली मैनी। ठीक है, तरीका कार क्या है, हम नए सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे इस एक्स स्टार को यूज करते हुए, जो बी है उसको हम डी से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे। टी क्या है, कोई भी इंटीजर, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये टी की वैल्यूज होंगी। टी बिलोंग्स टू जेड, जैसे कि इसने लिखा है टी इज एन आर्बिट्री इंटीजर, कोई भी वैल्यू। तो करना क्या चाह रहे हैं हम, वो सोल्यूशन जो एक फाइंड किया है वो उसमें जमा करेंगे ये रेशो मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, तो उसके सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं टी को 0 पुट करूंगा तो सोल्यूशन आएगा एक्स स्टार, अगर मैं टी को 1 पुट करूंगा तो कोई और सोल्यूशन आएगा, टी को 2 पुट करूंगा, तो इस तरह सारे वो एक्स और सारे वो वाई मैं फाइंड कर सकता हूँ इन फार्मूलाज के जरिए जो इस इक्वेशन के, डॉफेंटाइन इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन डिस्कस हुआ इस थ्योरम में, और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशंस एक्स स्टार और वाई स्टार, और फिर जनरल सोल्यूशंस कितने होंगे, इनफिनाइटली मैनी होंगे, और कैसे फाइंड करेंगे, ये उसका मेथड बताया गया है। इस थ्योरम का सब्जेक्ट ये था। नेक्स्ट, जैसे मैंने डिटेल में बताया कि डिपेंड्स कि एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है डी डिवाइड सी पे, डी इज द जी सी डी ऑफ ए एंड बी, और इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के फॉर्मूलाज ये आपके सामने मौजूद है। जैसे अब इस इक्वेशन में आप देखें 15x आपके पास प्लस 7y, ये दो आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड। मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। मेरा ख्याल, मेरे पास तो नेट का इशू नहीं है, आपके पास अगर इशू किसी तरह आ रहा है तो। यस यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह 15x प्लस 7y, ये दो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो है
वो मौजूद हैं कंपोनेंट्स इक्वल्स टू 210। ये इक्वेशन है हमारी डेफेंटाइन इक्वेशन, और इस डेफेंटाइन इक्वेशन का जो है हमारे पास सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है कि है या नहीं, एग्जिस्टेंस उसकी है या नहीं। और ये भी हम देखेंगे कि अगर इसकी एग्जिस्टेंस है तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर और वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा मुहतात तरीके से इसको, फिलहाल तो एक समराइज वे में उसने सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा पहले तो देखें 15 और ये 15 है और ये 7 है, इनका जीसीडी 1 होगा और 1 ऑलवेज 210 को डिवाइड करता है। तो इस तरह की इक्वेशन जिनमें ये दो नंबर 15 और 7 यानी ए और बी रिलेटिवली प्राइम हो, उसका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये ऑब्जर्वेशन आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब 15 और 7 जो है ये दो नंबर हैं और इनका जीसीडी 1 है, 1 टू 10 को डिवाइड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाय थ्योरम जो हमने पीछे अभी देखा। आगे उसने क्वेश्चन किया कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस इन इंटीजर्स, सॉल्यूशंस फाइंड करनी है इन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स की फॉर्म में हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने। अब हमने उस थ्योरम में देखा कि कोई एक्स स्टार और वाई स्टार नाम की चीज होती है, ठीक है, तो एक्स स्टार और वाई स्टार जो है वो इनिशियल सॉल्यूशंस थे। हम कैसे फाइंड करते हैं ये एक अलग सब्जेक्ट है, फिलहाल आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशंस हो हाउ वुड वी फाइंड जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, बाय इंस्पेक्शन उसने लिखा सॉल्यूशन के अंदर, बाय इंस्पेक्शन हमारे पास अगर मैं x को 0 और y को 30 पुट करूं यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 210। x को 0 और y को 30 पुट करें तो आंसर आपके पास 210 आ जाएगा। ये क्लियर है, नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन हो गया, ये x is equal to 0 ये हमारा x star है और ये y is equal to 30 ये हमारा y star है। ठीक है, by 1.24 15 and 7 are relatively prime, मैंने भी बात आपको बताई कि 15 और 7 जो है इनका GCD चूंकि 1 है, they are relatively prime, all solutions, ठीक है जी, are given by, देखें x is equal to first solution 0 plus क्या होता था 210 by 15, 210 बटा 15, 7 बटा d। तो ये अगर पीछे जाएं आप तो b क्या है 7 और d क्या है 1, तो यहाँ 7 over 1 means 70। तो x कैसे निकालना है इस फार्मूले के जरिए, ये जो फार्मूला आपके सामने है, इनिशियल सॉल्यूशन 0 और आगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बी ओवर डी टी। बी ओवर डी क्या बनेगा, बी ओवर डी हमारे पास बनेगा 7 ओवर 1 और इनटू टी। तो ये एक्स हमारे इस तरह की कोई चीज होगी 70 टाइप की, जिसमें टी क्या है कोई भी इंटीजर है। सिमिलरली वाई स्टार माइनस, वाई स्टार की जगह 30 आ जाएगा, माइनस ए क्या है 15, डी 1 है, तो वाई स्टार 30 आ गया और 15 ओवर 1 इंटू टी, ये वो है इस टाइप की जो चीज होगी वो हमारा वाई होगा। जैसे जैसे हम टी को छोटा करते जाएंगे ये पॉजिटिव होगा, जैसे जैसे हम टी को बड़ा करते जाएंगे ये नेगेटिव होगा। वेयर टी रेंजेस ओवर द इंटीजर्स, वही बात की टी की वैल्यूज क्या है इंटीजर्स। अब मैं टी को जीरो पुट करूं तो वही पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा जो हमने फाइंड किया था। अगर मैं टी को वन पुट करूंगा तो सोल्यूशन आएगा 7 into 15, यानी x को आप 7 पुट करें y को 15 तो आपके पास 210 आंसर आएगा। इसी तरह आप t की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आपके पास जो है सॉल्यूशंस आते जाएंगे काफी सारे, तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जितने t की वैल्यूज हैं उतने सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर सिंस x, अब दूसरा पार्ट है डिटरमिन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर्स। देखें अगर मैं t को 2 पुट करूं तो आंसर देगा y 0, अगर मैं t को 3 पुट करूं तो हमारे पास आंसर -15 आएगा। तो t की वैल्यू अगर 3 होगी तो हमारी y की वैल्यू -15 आएगी। तो b पार्ट में उसने क्या कहा है,
बी पार्ट में उसने ये कहा है हमें कि आप जो है वो फाइंड करें सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव हो, ओनली पॉजिटिव सॉल्यूशन. अच्छा, अब हम पॉजिटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंस एक्स ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, अगर हमारे पास टी पॉजिटिव है तो एक्स हमेशा पॉजिटिव. सिंस एक्स ग्रेटर देन जीरो हमने पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो एक्स को हमें ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर मैं रखूं तो 70 ग्रेटर देन जीरो, वी मस्ट हैव टी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन. वाई, यहाँ मैं जीरो अगर पुट करता हूँ तो एक्स जीरो आता है, तो लेकिन एक्स जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर हम लेना चाह रहे हैं, पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं, तो टी हमें वन से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो टी एक्स ने हमें बताया कि टी की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव सॉल्यूशंस के लिए वो ये हो सकती है टी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन. ठीक है जी, ये हो सकता है. सिंस y ग्रेटर देन जीरो तो हम इस चीज को 30 माइनस 15 टी को जीरो से ग्रेटर पुट करेंगे, इट गिव्स यू टी लेस देन 2. 30 माइनस 15 तो ये 30 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 15 टी हो जाएगा. ठीक है जी, टी हो जाएगा, 15 को डिवाइड करेंगे तो टी जो है वो लेस देन आर इक्वल्स टू 2 होगा. अगर यहाँ लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल्स की बजाय ग्रेटर देन होगा तो फिर यहाँ भी लेस देन आर इक्वल्स की बजाय लेस देन हो जाएगा, जैसे कि इस शक्ल में आपको नजर आ रहा है. दस टी इक्वल्स टू 1, ये किसने दिया हमें? टी हमें दिया टी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, एक ये है पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है टी लेस देन 2. तो टी एक ऐसी चीज है जो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 है, और टी एक ऐसी चीज है जो लेस देन 2 है. ये दो मेन पॉइंट्स हमारे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी हमारा टी जो है, दोनों को अगर हम इन इनक्वालिटीज को कंबाइन देखें तो हमारा टी जो है वो सिर्फ 1 हो सकता है, ओनली 1, टी 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता. And there is only one solution in positive integers. हमारे पास positive integers में सिर्फ एक solution है, क्योंकि t की एक value आई. तो वो कौन सा solution है? कि हम t को 1 put कर दें. तो वो solution होगा, t को 1 put करने से x 7 आएगा और y 15 आएगा. तो x 7, y 15. ये हमारा solution है जो हम यहाँ put करें, x की जगह 7 और y की जगह 15. तो हमारे पास आंसर 210 आ जाएगा. ये क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे बिल्ड हुआ हुआ एक क्वेश्चन है ये. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 91x, थोड़े बड़े नंबर हैं, पहले 15, 7, 210 ये नंबर थे, अब 91x और 221y is equals to 1053. आर देयर सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर्स? क्वेश्चन उसका ये है, ये नहीं है कि आप फाइंड करें वो सॉल्यूशंस, क्वेश्चन उसका ये है अब इस दफा, क्या इसके कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन है, और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो दो हिस्से हैं क्वेश्चन के, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और क्या इसके कोई पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं. अच्छा, सिंस सॉल्यूशन को थोड़ा सा देखते हैं, सिंस ईच कोएफिशिएंट इज डिविजिबल बाय 13, अगर हम 91 को देखें, 221 को देखें, 1053 को देखें, तो हर जो है नंबर कोफिशेंट x का भी y का भी और ये कांस्टेंट जो है ये डिविजिबल बाय 13 है. तो अगर मैं इन सब को 13 से तकसीम कर दूं, 13 से डिवाइड कर दूं, बट आई विल गेट, मेरे पास आएगा 7x, x के साथ कोफिशेंट 91 है, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा. ठीक है, y के साथ कोफिशिएंट है 221, तो इसको 17 हो जाएगा 13 से डिवाइड करने पर. ठीक है, इसी तरह 1053 जो है ये आपके पास हो जाएगा 81. ये इक्वेशन जो आपके पास पहले थी 91x प्लस 221y इक्वल्स 1053, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 7x प्लस 17y इक्वल्स 81, ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. ठीक
ठीक है जी, ये इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बाय इंस्पेक्शन। मजीद इसको अगर आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप देखेंगे कि x को हम 14 और y को हम -1 रखें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास 7x वाली और 17y वाली, तो हमारे पास आंसर 81 आ जाएगा। तो ये उसने एक सोल्यूशन बताया x और y, ये वो हमारे x स्टार और y स्टार। सिमिलरली इसको यूज करते हुए x हमारे पास क्या आएगा, x स्टार प्लस b ओवर dt। b क्या है इस केस में 17, और इनका GCD क्या है 7 और 17 का, वो 1 है, तो 17 वैसे के वैसे आ जाएगा। इसी तरह 7t माइनस हो जाएगा, यहाँ पे y स्टार आएगा विच इज -1 माइनस 7/1t, 7/1 इज 7। ये वही फार्मूला है जो हमने थ्योरम में पढ़ा, टू मेक y पॉसिबल t मस्ट बी नेगेटिव बट देन x इज नेगेटिव। अगर हम इसको बनाना चाह रहे हैं कि y पॉजिटिव हो, y को अगर मैं पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो मुझे t को कोई नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं t को कोई नेगेटिव वैल्यू दूंगा तो x नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं t को कोई पॉजिटिव वैल्यू दूंगा x पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन y नेगेटिव होता जाएगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एट द सेम टाइम दोनों पॉजिटिव हो। तो इस क्वेश्चन ने आंसर भी दे दिया, आर दीज सॉल्यूशंस। ये बेटे आप मैसेज नहीं करें, टेक्स्ट नहीं करें प्लीज, ये फिर स्क्रीन पे शो होता है चैट में, टेक्स्ट नहीं करें, ये देखें नजर आ रहा है, टेक्स्ट नहीं करें आप। अगर ज्यादा मसला हो तो अपना माइक खोल के बात कर लिया करें, वो भी सिर्फ सीआर और कोई नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये है हमारे पास सॉल्यूशन बता रहा है एक्स और वाई बता रहा है कि जी आपके पास ये नहीं हो सकता कि दोनों एट द सेम टाइम पॉजिटिव हों। अगर हम टी को पॉजिटिव पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तब भी 14 और -1 आएगा, दोनों पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव पुट करेंगे तो ये वाई पॉजिटिव होता जाएगा और एक्स नेगेटिव होता जाएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तो एक्स पॉजिटिव होता जाएगा वाई नेगेटिव, तो इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब आर देयर सॉल्यूशंस इन पॉजिटिव इंटीजर, इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है जी, इसका आंसर होगा नो। तो अब आप अपने क्वेश्चंस करना चाहें फिलहाल अबाउट दिस तो वो कर लें प्लीज। मैं वेट कर रहा हूं, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बेटे आप क्वेश्चंस कर लें। नहीं है, चलें नेक्स्ट। सिमिलरली ये एक डाफेंटाइन इक्वेशन है 1111 एक्स, ये कोफिशिएंट है एक्स का, और 704y ये कोफिशिएंट है y का, और ये आपके पास इक्वल है 15000 प्लस सम b, अननोन वैल्यू है। वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर b, प्लीज क्वेश्चन कर लें। मैसेज आ रहा है कि एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लीज क्वेश्चन कर लें जो भी क्वेश्चन है। मुझ तक आवाज नहीं आ रही मारिया, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आई डोंट नो कि आप लोगों में से मैंने स्टूडेंट का माइक अगर ऑफ किया हुआ है तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इसे ऑन कर लें। Allow participants to unmute themselves. मैंने किया हुआ है बेटे, ये मैंने अलाउ भी किया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मारिया का माइक मुझे स्क्रॉल करता हुआ नजर आ रहा है लेकिन उसकी आवाज मुझे नहीं आ रही। कोई और बच्चा पूछ ले जिसको आवाज आ रही हो। मेरे पास ऑन